काल बाबू अगला ठीक बा। तो आज बहुत ही खतरनाक वाले मुद्दे पर हम बात करेंगे भैया, बहुत ही खतरनाक। यूथ का कह लो या जो लोग कहीं काम धाम में सेट नहीं हुए हैं, धंधे पानी में, नौकरी चाकरी में, किधर किधर भी रेगुलर इनकम, अच्छा खासा इनकम नहीं कर रहे हैं, वो सारे लोगों के लिए आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हुआ क्या, अभी एक बिजनेस इवेंट में गया कुछ दिनों पहले। तो बिजनेस इवेंट में जब मेरा सेशन खत्म हुआ तो लास्ट में कुछ लोगों, बिजनेस इवेंट था वहां पे, सारे बिजनेस करने वाले लोग आए थे और अच्छे खासे बिजनेस करने वाले लोग। तो जब मेरा सेशन खत्म हुआ तो वहां पर कुछ लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए। उसमें से एक बंदे ने सवाल पूछा मेरे से, ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल सिर्फ उस आदमी का नहीं है, मैं मानता हूं दुनिया मारो गोली, अपने भारत में हजारों या शायद लाखों लोगों का यह सवाल होगा। तो सवाल का जवाब अभी देता हूं। पहले सवाल क्या था समझो, सवाल यह था, सर मुझे एक ऐसा तरीका बताइए जिसमें 8-10 साल का समय भले ही लग जाए, लेकिन 8-10 साल का समय लगाने के बावजूद बाद मेरी एक फिक्स इनकम बनने लग जाए, एक अच्छा खासा इनकम में पहुंच जाऊं, 8-10 लाख रुपए महीना कमाने लग जाऊं, ऐसा कोई तरीका, फिक्स तरीका मुझे बताइए, मैं 8-10 साल मेहनत करने को तैयार हूं, लेकिन कंडीशन सिर्फ यह है कि एक अच्छा खासा इनकम 8-10 लाख रुपए महीना आने लग जाए। ऐसा बहुत सारे लोगों का सवाल नहीं होता क्या, एक ऐसा तरीका बताइए जिसमें मैं मेहनत करने में लग जाऊं, भले 5 साल लगे 10 साल लगे, लेकिन अच्छी खासी इनकम मेरी बन जाए, एक ऐसा तरीका बताइए, ऐसा बहुत सारे लोगों का सवाल नहीं होता क्या? होता है। तो पहले तो मुझे हंसी आई, फिर मैंने उसको समझाया। तो जब समझाया, अब समझाता हूं आपको। देखो होता क्या है सर, अगर किसी को ऐसा तरीका पता होता कि भैया 8 साल लगा ले 10 साल लगा ले और इसमें तो निश्चित सफलता है, तो मुझे लगता है दुनिया में कोई भी झाड़ू मारने वाला नहीं होता। फिर सारे इस 8-10 साल लगा करके 8-10 साल रुपये महीना कमा रहे होते, दुनिया में कोई फिर रिक्शे वाला नहीं बचता, दुनिया में कोई फिर लैट्रिन बाथरूम साफ करने वाला नहीं बचता, दुनिया में कोई 5-10 हज़ार रुपए महीना कमाने वाला नहीं बच सकता, सब 8-10 लाख रुपए महीना कमा रहे होते अगर ऐसा कोई तरीका होता तो। ये सब लोग ऐसे कमा रहे ना, कोई 5 लाख कमा रहे तो कोई 5 हज़ार रुपए के लिए भी तरस रहा है ना, इसका मतलब ऐसा कोई तरीका होता नहीं है सर। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, किसी भी ऐसे आदमी से बात कर लो आप जो कि कमा रहा हो, जो सफल मानते हो आप जिसको भी, सर वो सब यही आदमी कहेंगे ऐसा कोई तरीका नहीं होता। हर आदमी को अपना अपनी कामयाबी का रास्ता खुद तलाश करना पड़ता है, इजाद करना पड़ता है, आविष्कार करना पड़ता है उस रास्ते का, कोई फिक्स तरीका नहीं होता। आदमी देखो मरता क्यों है मालूम, ये इतने मरे हुए लौंडे लपाड़े आज के टाइम में क्यों है, भीख मांगते हुए क्यों है, कोई नौकरी नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, सरकार कुछ नहीं, अरे सरकार कुछ कर भी नहीं सकती तुम्हारे लिए बेटा, तुम नहीं कर पाओगे कुछ, क्योंकि तुमको कामयाबी की गारंटी चाहिए। एक काम बता दो जिसमें गारंटी, अरे कहां से काम बता दे, कोई नहीं बता सकता, दुनिया में कोई नहीं बता सकता कैसा कोई रास्ता इसमें पकड़ लो इसमें तो कामयाबी हो जाए, नहीं हो सकता। लोगों को गारंटी चाहिए, सक्सेस की गारंटी। अच्छा मैं अभी गांव गया था तो किसी लड़के से बात कर रहा था, मुझे कुछ कह रहा था कि भैया जरा रास्ता उससे बताइए कुछ काम वाम करने का जो पैसा हो जाए। मैंने एक रास्ता बताया उसको, एक तरीका, बोला नहीं भैया इसमें तो बहुत मेहनत है, ये वाला काम मेरे से नहीं, कुछ और बताइए, दूसरा बताए, नहीं नहीं भैया ये नहीं होगा इसमें ये दिक्कत है, तीसरा बताया, नहीं नहीं भैया इसमें ये दिक्कत, हर चीज में उसको कुछ ना कुछ दिक्कत लग जाए। लोग ऐसे ही भैया, सब कुछ उनके फेवर में चाहिए, मजे मजे में काम हो जाए और मजे मजे में 8-10 लाख रुपए 20 लाख रुपए महीना आने लग जाए। जिंदगी ऐसी, ऐसा नहीं होता जिंदगी चाचा, ऐसा नहीं होता जिंदगी। जिंदगी संघर्षों का नाम है, जिंदगी संघर्षों का नाम है। अभी कपिल शर्मा का एक रील देख रहा था मैं, उसमें एक लड़का आया, कपिल शर्मा उससे पूछ रहा है कि क्या करते हो, तो लड़का कहता है 11th में पढ़ता हूं। तो लड़के की उम्र पूछी, उम्र 22 साल, 22 साल की उम्र 11th में हो, वो कह रहा है क्यों, तो कह रहे पढ़ाई वढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा था इसलिए मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया था, और पापा के जबरदस्ती प्रेशर की वजह से मैं वापस से ज्वाइन किया है 11th में। तो बोला क्यों, क्योंकि मुझे बिजनेस करना है इसलिए मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया। फिर उससे पूछा अभी क्या कर रहे हो, बोला मैं कुछ नहीं कर रहा। समझना सर एक बात, बिजनेस करने का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अय्यासी में लग जाओ, आरामखोरी में लग जाओ, एलविस यादव और इसके लफड़े के वीडियो देखने में लग जाओ। सर पढ़ाई ठीक है, ज्यादा ध्यान नहीं लगा रहे कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन उस समय कुछ तो करो, उस समय का इस्तेमाल तो करो। 5-10 लाख रुपए महीना कमाना है, पहले 500 रुपए महीना कमाना तो सीखो। अभी गांव में हमारे लड़का टकराया, अभी मैं कुछ दिन पहले गांव गया था, तो लड़के के पापा बड़े परेशान थे, वो कहते तुम्हारा वीडियो ये दिन रात देखता है, लेकिन ऐसा पगलाया है तुम्हारा वीडियो देख करके कि इसको बिजनेस करना सा चढ़ गया है, पढ़ाई लिखाई छोड़िए दिया है, पढ़ता ही नहीं है, 10th में हो लड़का, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि सागर सर ने बोल दिया है कि अब पढ़ाई लिखाई ज्यादा कुछ होते नहीं, मुझे तो बिजनेस करना है। अरे तुम बिजनेस, अभी 10th में हो तुम, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बैठ गए बिजनेस करना है, तो ठीक है बिजनेस करना है तो आज से शुरू करो ना बिजनेस, 5 लाख रुपए उसको भी कमाना है, तो 5 लाख रुपए कमाना है, पहले 500 रुपए आज कमा के तो दिखाओ, डायरेक्ट कहां से 5 लाख हो जाएगा चाचा,
₹500 कमा के दिखाओ, फिर अपने बाप को बोलना कि नहीं मुझे सागर सर ने बोला बिजनेस करना है, तो देखो मैं ₹500 कमा के दिखाया। अगर तुम ₹500 कमाने लायक हो तो 1000 भी कमा लोगे, 5000 भी कमा लोगे, 10000 भी कमा लोगे, 50000 भी कमाओगे, 5 लाख भी कमाओगे, लेकिन पहला ₹500 कमा के तो दिखाओ। दिक्कत यह है कि लोंडो को ₹500 कमाना नहीं आता, लेकिन सपना देखेंगे ये 5 लाख कमाने का, और पढ़ाई लिखाई सब छोड़ करके बैठे हैं। अरे ठीक है छोड़ दिए, नहीं नहीं मन लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसमें ज्यादा फोकस करता भी नहीं हूं, लेकिन समय का तो कुछ इस्तेमाल करो। या तो ऐसा कोई बहुत जीजान लगा रखा है तुमने खेल कूद में, अपने शरीर को बना रहे हो, बॉडी जिम में जिम जान जा रहे हो, कुछ कुछ तो कर रहे हो, शरीर बना रहे हो, किस्मत बना रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, अब तो फल तो रील देखने में लगे पड़े हो हैं। क्या क्या 5 लाख रुपए महीना, ₹500 नहीं बनेगा तुमसे चाचा, 5 लाख कमाएंगे। सर जिंदगी संघर्षों का नाम है, एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से समझो मेरी बात। गिद्ध की प्रजाति का एक पक्षी होता है, उसको जब बच्चा देना होता है ना, तो पहाड़ की बहुत दूर चोटी पर जाकर के ऊपर बच्चा देता है, और वहां पर जब वो बच्चा अंडा देता है घोंसले में, तो एक दिन बाद उस घोंसले से अंडे से बच्चा निकल करके, चूंकि पहाड़ की चोटी पर होता है तो बच्चा जो है नीचे गिरना शुरू होता है। अगर वो पक्षी 10 बच्चे एक साथ देता है, तो उस 10 बच्चे में से 8 बच्चे ऐसे होते हैं जो पहाड़ से टकराते नीचे गिरते मर जाते हैं, और वो पक्षी कुछ नहीं कर सकता, उसके आंख के सामने उसके बच्चे गिरते हुए टकराते हुए दर्द से कर्राते हुए मरते हैं, लेकिन वो पक्षी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उन 10 में से 8 तो मर गए, लेकिन जो 2 होते हैं ना, वो टकराते हुए अपने पंखों को खोल पाते हैं, और जो 2 बच्चे अपने पंखों को खोल पाते हैं वही जिंदा रहते हैं। सर उनका संघर्ष देखो, पैदा होते ही संघर्ष उनका चालू हो गया है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? एक और बात बताता हूं, जंगल का राजा शेर को कहते हैं ना, सर शेर अपने 75% जो दूसरों जानवरों को अटैक करता है जिंदा रहने के लिए, 75% टाइम वो फेल होता है, वो नहीं पकड़ पाता हिरन को या नहीं पकड़ पाता जानवरों दूसरे जानवर को, 75% टाइम वो अपने शिकार को नहीं दबोच पाता है, नहीं मार पाता है, फिर भी वो जंगल का राजा है सिर्फ 25% सक्सेस रेशियो पर, सिर्फ 25% टाइम उसको सफलता मिलती है अपने शिकार को हासिल करने में, फिर भी वो जंगल का राजा है। आपसे मैं पूछता हूं, 75% टाइम अगर आप फेल होते हो, गिव अप नहीं कर दोगे, छोड़ नहीं दोगे? सिर्फ 25% में वो राजा है सर। लेकिन लोग तो आज के टाइम में एफर्ट ही नहीं मार रहे, बैठे हैं, बिजनेस आ रहे, हो जाएगा, समय आएगा तो अपने आप बिजनेस का हिस्सा हो जाएगा बच्चा। आज लोग माइंडसेट से ज्यादा भाग्य पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, किस्मत पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, वो जगह जगह पर घूम रहे हैं, हाथ दिखा रहे हैं, कुंडली दिखा रहे हैं। अरे एक बात बताओ, अगर भाग्य तुम्हारा ठीक हो भी गया, अच्छा समझना एक बात, एक रिक्शा वाला है मान लो, उस रिक्शे वाले का भाग्य बहुत बढ़िया हो जाता है किस तरीके से, और वो रिक्शे वाले का ड्रीम है कि यार मेरा थोड़ा किस्मत उसमें ठीक हो जाए, थोड़ा बहुत पैसा वैसा आ जाए, तो पैसा आ जाए तो मेरा एक सपना है पूरा कर देंगे, उसको टैक्सी लेकर के ओला में चलाएंगे, गाड़ी खरीद के ओला में चलाएंगे, काश मेरी किस्मत साथ दे दे। सर उसका किस्मत साथ दे दिया, क्या करेगा वो? किस्मत साथ दे दिया, पैसा आ गया, क्या करेगा वो? अभी रिक्शा चलाता है, कल ओला ड्राइवर बन जाएगा, किस्मत साथ दिया तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना। सर एक और दूसरा आदमी है जो कहता है काश थोड़ा मेरा किस्मत साथ दे, थोड़ा पैसा वैसा आ जाए तो हम एक धंधा शुरू करेंगे, और धंधा शुरू करके हम 1000 करोड़ का धंधा बनाएंगे। सर उसका किस्मत साथ देगा तो क्या होगा? क्या होगा? 1000 करोड़ का धंधा बना देगा वो। सर किस्मत तो दोनों का साथ दिया ना, भाग्य तो दोनों का साथ दिया ना, लेकिन एक ओला ड्राइवर बन के रह गया, दूसरा 1000 करोड़ का धंधा बना दिया, फर्क क्या है? फर्क क्या है? सोच का फर्क है सर, माइंडसेट का फर्क है सर, विचारों का फर्क है सर। एक आदमी जितना बड़ा सोचता है उसके आसपास जा पाता है, एक आदमी जितना छोटा सोचता है उसके आसपास सिमट के मर जाता है, किस्मत साथ देने के बावजूद भी। तो मैं कहता हूं किस्मत साथ देना दे, भाग्य साथ देना दे, अपने सोच को साथ में लाना सीखो सर, अपने सोच की शक्ति का इस्तेमाल करना सीखो सर, वो ज्यादा आपको दे देगा। मेरी बात से अग्री कर रहे हो? मुझे यस लिख के बताओ, यस लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में। और मैं तो कहता हूं अभाव में ही आदमी का भाव बनता है, अभाव में ही आदमी का भाव बनता है, भाव मतलब मूल्य, कीमत, वैल्यू। एक हनुमान मूवी आई थी, आई थी ना कुछ दिनों पहले, तो हनुमान का जो डायरेक्टर है वो इंटरव्यू दे रहा था, तो उससे वो बता रहा था अपने बारे में कि उसने प्रोड्यूसर को बोला था बजट बढ़ाने को, तो प्रोड्यूसर कहता है कि नहीं, कुछ तो ऐसा था कि अगर उसने बोला कि अगर मुझे अनलिमिटेड बजट मिल जाता तो मैं फिल्म और अच्छी बनाता, तो उसका प्रोड्यूसर कहता है कि जिन डायरेक्टर्स को अनलिमिटेड बजट मिलता है ना, वो कभी अच्छी फिल्म नहीं बना पाते, अच्छी फिल्म वही डायरेक्टर्स बना पाते हैं जिनका बजट का अभाव होता है, जिनका बजट का लिमिटेशंस होता है। क्योंकि जब बजट लिमिटेड होता है ना, तब डायरेक्टर की क्रिएटिविटी बाहर निकल के आती है, तब डायरेक्टर दिमाग लगाता है कि कैसे मैं अच्छा से अच्छा बनाऊं।
आदि पुरुष मूवी आई थी ना, 600 करोड़ 700 करोड़ कहाँ क्या पता नहीं क्या बनाया उन्होंने। तो जिन लोगों के पास रिसोर्सेस भरपूर हैं, सारी सुविधाएं हैं, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, वो ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाते, वो फिर अभिषेक बच्चन बन के रह जाते हैं। अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हुआ आदमी, अभिषेक बच्चन बन के रह जाओगे, अर्जुन तेंदुलकर बन के रह जाओगे, सचिन तेंदुलकर के घर में पैदा हुआ आदमी। लेकिन सचिन तेंदुलकर किसके घर में पैदा हुआ वो कोई नहीं जानता, अमिताभ बच्चन किसके घर में पैदा हुआ, शाहरुख खान किसके घर में पैदा हुआ, वो सब अभाव में पैदा हुए तभी उनका भाव बना। लेकिन जो अभाव में पैदा नहीं हुए उनका भाव ही नहीं बना। मैटर ये करता है कितने अभाव में आप हो और अपनी मानसिकता पर कितना जोर लगा करके कितनी बड़ी सोच आप रखते हो, कितना हाथ पैर आप ज्यादा मारते हो, वो आपको पहुंचाएगा कहीं ना कहीं। भाग्य साथ दे भी दे तो, एग्जांपल दिया ना आपको, एक और लेसन सर ध्यान से सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है सर, अगर आज के समय में यूथ ने इसको फॉलो कर लिया तो साला उसको बहुत बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता, अगर इसको फॉलो कर लिया उसने, सबसे बड़ा लेसन है सर, दूसरों के हंसने की परवाह मत करो। सबसे बड़ा टेंशन है आज के यूथ का, सबसे बड़ा टेंशन। अभी मैं नेटफ्लिक्स पर कोई तो मूवी देख रहा था, कुछ तो आईआईटी एग्जाम क्रैक करने से रिलेटेड था, तो वो जो लड़का हॉस्टल में जाता है आईआईटी की तैयारी करने के लिए, तो दोस्तों बनते ही हैं, उससे पूछा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो एकदम से घबरा गया वो, उसको डर लग गया कि अगर मैं इसको बोलूंगा कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो मेरा मजाक उड़ाएगा, क्योंकि जो पूछ रहा था उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो झूठ बोल देता, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन जिस अंदाज में बताता है सामने वाला पकड़ लेता है इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और मजाक उड़ा देता है बाद में। उस सीन से एक लेसन मिलता है सर, आजकल के ज्यादातर लौंडे लफाड़े ऐसी सोच तो होती है, अगर गर्लफ्रेंड है तो वैल्यू ज्यादा मिलेगी, अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो वैल्यू नहीं मिलेगी। अच्छा, इस वैल्यू को पाने के लिए, इस इज्जत को पाने के लिए आदमी गर्लफ्रेंड बनाने में लग जाता है। अच्छा, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए वो महंगे फोन चाहे ईएमआई पे लेना पड़े, महंगे कपड़े चाहे ईएमआई पे, महंगे जूते, दिखावा, बाइक और केटीएम, पता नहीं क्या क्या करता है वो, लड़की पटाने के लिए, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, क्योंकि गर्लफ्रेंड अगर बन गई तो समाज में क्या, उसके जो उसी की सोच जैसे दो कौड़ी की सोच रखने वाले लौंडे लपा रहे हैं, वो लोग इज्जत देने लग जाएंगे, वैल्यू देने लग जाएंगे। सर, वो दो कौड़ी के लौंडे लपाड़ों का इज्जत लेके क्या उखाड़ लोगे? इज्जत पाना है तो समाज के बड़े बड़े लोगों से पाओ ना, और वो लोग तुम्हें इज्जत तुम्हारे गाड़ी, तुम्हारे बाइक और तुम्हारा फोन देख करके देंगे, तुम्हारी औकात देख करके वो तुम्हें इज्जत देंगे, तुम्हारे बैंक में नोट पैसा कितना है वो देख करके देंगे, तुम्हारा औहदा क्या है समाज में वो देख करके देंगे। तो असली इज्जत अगर कमानी है तो सर आईफोन नकली वाले और केटीएम बाइक इन सब के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, औकात बनाने पे फोकस करो, और औकात अगर बन गई तो समाज के बड़े लोग तो इज्जत करेंगे। वो जो दो कौड़ी के लौंडे जिनको इंप्रेस करने के लिए तुम ये सब गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में भाग रहे थे, उसका बाप भी तुम्हारी वैल्यू करेगा, तुम्हें इज्जत देगा। सब टेम्पररी है सर, गर्लफ्रेंड बना करके इज्जत पाना, उस इज्जत का क्या उखाड़ लोगे? चार लोग वाहवाही कर लेंगे, अरे वाह कितनी गर्लफ्रेंड ले घूमता है, तो इससे उखाड़ क्या लोगे? ऐसी इज्जत कितने दिन तक तुम्हारे साथ रहेगी? कॉलेज के 2 साल, कॉलेज के 3 साल बस, जब रियल लाइफ में उतरोगे, युद्ध जब असली शुरू होगा पैसे कमाने का, वो कमाया हुआ इज्जत जो गर्लफ्रेंड दिखा के तुमने चार लौंडों से इज्जत कमाई, वो किसी काम का आएगा क्या? कहीं काम नहीं आएगा। फिर आपको अगर कल की किसने देखी, आज का तो देख रहे हैं, आज जिंदगी जीने, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह के लिए वो जिंदगी ना मिलेगी, दोबारा जैसी फिल्में बनती और वो हिट हो जाती है। क्या सिखाया जाता है जिंदगी आज में? कल भी नहीं है क्या चाचा? कल मर जाओगे, निपट जाओगे क्या? कल का सोचना जरूरी है सर, क्योंकि कल भी आएगा।